आज यानी 17 अक्टूबर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। इसका मतलब यह है कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 414 डेलीगेट्स अपने वोट कास्ट करेंगे। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 4 बजे तक 6 घंटे तक ये वोटिंग चलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में कड़ा मुकाबला है, दोनों ने अपने एजेंट भी तय कर रखे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खड़गे के लिए 4 पदाधिकारियों को पोलिंग एजेंट बनाया है, जबकि शशि थरूर के 6 पोलिंग एजेंट रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस की एक नई पारी की शुरुआत होगी। राजस्थान कांग्रेस में भी 25 सितंबर के बाद हुई उठापटक को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। पिछले महीने हुई इस्तीफा पॉलिटिक्स किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में इस पर भी बड़ी उठापटक की संभावनाएं जताई जा रही थी। सीएम अशोक गहलोत का अध्यक्ष पद की वोटिंग के लिए कहना है कि हम सब वोटिंग में भाग लेंगे, डेलीगेट्स में बेहद उत्साह है। अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन के प्रस्तावक बनने को लेकर भी खुलकर कहा है कि कांग्रेस में एक नए युग की शुरुआत होगी, साथ ही राहुल गांधी की तारीफ में भी पीछे नहीं हटते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर भी वे जमकर बरसे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद राजस्थान की राजनीति कितनी बदलती है, इस पर भी एक नजर चलिए डाल ही लेते हैं। इस चुनाव के बाद इसका सीधा असर अशोक गहलोत पर पड़ेगा। कुछ जानकारों के मुताबिक अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो अशोक गहलोत के लिए प्लस पॉइंट होंगे। दोनों के संबंध पुराने हैं, दोनों एक साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, खड़गे संगठन को समझते हैं। कांग्रेस के पुराने नेता होने के नाते वो पायलट और गहलोत के बीच तालमेल बिठाने का भी प्रयास कर सकते हैं। 25 सितंबर को हुई प्रेशर पॉलिटिक्स की आलाकमान को रिपोर्ट देने के दौरान खड़गे का गहलोत को क्लीन चिट दिलवाने में अहम रोल माना जाता है। यहां सचिन को बात करना भी बेहद जरूरी है। जानकारों के मुताबिक नए अध्यक्ष की पहली प्राथमिकता 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ताकत देना होगा। 2023 में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का पूरा प्रयास रहेगा, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का सचिन को साथ रखने का भी पूरा जोर होगा। पूर्वी राजस्थान में आपको बता दें कि 39 में से 28 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है। यहां का गुजर मीना बेल्ट कांग्रेस के पास होने का बड़ा कारण सचिन पायलट ही है, ऐसे में सचिन पायलट के बिना सफर मुश्किल हो सकता है। इस बेल्ट में सचिन पायलट के बिना सरकार रिपीट करवाना लगभग नामुमकिन ही है। इसके लिए सचिन को पीसीसी चीफ बनाकर उनको 2023 के चुनाव के लिए फ्री हैंड भी दिया जा सकता है। कांग्रेस के चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है वो है संगठन में फेरबदल। राजनीति के तमाम जानकार और नेताओं का ये कहना है कि अब राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। जाट चेहरे को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाए रखने की अगर मजबूरी नहीं रहती है तो गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेशाध्यक्ष बना रहना भी मुश्किल ही है। इसी की संभावना है कि सचिन पायलट या उन्हीं के खेमे के व्यक्ति को पीसीसी चीफ बनाया जाए और इस तरह का बदलाव जिला स्तरों पर भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा असर 25 सितंबर को पैरेलल बैठक रखने वाले तमाम दिग्गजों पर कार्यवाही भी की जा सकती है। अनुशासनहीनता को लेकर तीनों नेताओं को लेकर फैसला भी हो सकता है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।